अष्टप्रथम हिसी एमाने स्वागत करते नंद बाबा जशोदा रोहिणी को दिनकर घटना कौन हुआ अष्टपटराणी जशोदा माता को कहले कि माँ आम कृष्ण जो बालक लीला पिला बेले तुम सकते जो ब्रजपुर कहीं ब्रजपुर लीला बहुत प्रसिद्ध गो राधाराणी प्रेम भी बहुत प्रसिद्ध अत्यंत प्रख्यात से भी आउ भगवान कौन कौन लीला कले से सब आम कह जो रोहिणी आउ जशोदा इन्हें कहले कि देख भगवान जदि गुणगान ये आम करूँ तक लीला कहूँ भगवान ये आम सामने पलि आसबे आम सामने रही देखू कि लीला कह देखला मैंने आम कह सब भूलीज तेणु एटिक जमी से न आसे व्यवस्था कर कहीं भगवान भी गोटे प्रतिज्ञा नाहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय नच मद्भक्त जत्र गायती तत्र तिष्ठामि नारद जोटे भक्त मैंने गाँव नाम संकीर्तन करते गुण गाँव भगवान से अगर मन कौटे लगे थे मन लगेगला पूरा बुलती तुम पचे घिरघिरी से तुमको छाड़बार ना तेणु व्यवस्था कर तेणु घर भितर ये माता बसिले रोहिणी माता जशोदा माता एवं द्वार बंद करदे द्वार पहरी बसिले क्या सुभद्रा सुभद्रा कहे मुझे रोकिक रखी भितर को छाड़ा देवी भितर जो कथा आरंभ है बालक लीला स्मृति आसी हृदय कोह भरा आस प्रेम भरी आसी गदगद कंठ से लीला गुड़ा जमी बालक लीला गुड़ाक भगवान सुधर्मा सभा दी भाई जाक दौड़ी आसिले कहीं जो भक्तिपूर्वक गाया जाए से भगवान ही जा जितने भगवान आसिले द्वार पहरी अच्छा सुभद्रा छाड़े जेहेतु न छाड़े भगवान जिते चेष्टा कले सुभद्रा छाड़े दी भाई जाकर छाती रे दी हाथ लगेदे सुभद्रा ठेलिक रखिले सी जिते चेष्टा करे भी ठेलिक रखे से शक्ति जय हुए से भगवान कानले कथा को कथा कान धीरे धीरे पड़ला भगवान प्रकृतिस्थ हो माने बसी पड़े बसला से लीलार प्रविष्ट तांकर शरीर कौन ना धीरे धीरे ये गलित हवाक लगला माने पिघली जावाक लगला ये प्रेमर गोटे गोटे स्थिति आसे जमी आम कथा पढ़ुजे गीत पढ़ुजे जो पथर पाणी हो पथर होला पानी शुणी गीत आस भगवान का लीला शुणी पथर भी पानी हो जाए आज भी चित्रकूट पथर अच्छे पिघिलार पाद चिन्ह सब पड़ी जो राम सहित भरत भेट है प्रेम भाव देखी पथर पानी हो कौशल सीता मिलन है से भी पथर पूरा पिघल की पाद चिन्ह एवं सुधा भी आते भगवान कौन कले शुणिले लीला शरीर मध्य पानी हवाक लगला धीरे धीरे दलित है हाथ गुड़ाक एकदम से भितर को बसीगला आखि पूरा खोला रहीगला देखा आम सादा खोल आखि टे लमुरी रही कि पूरा तरा टी चाहिए आखि खोल कह गोलिया कहीं कथा खोली जी से भाला भगवान एकदम से प्रेम मजबूत होते कथा शुणिले हाथ गोड़ सब भितर कईच भाया चैतन्य महाप्रभु यहाँ लीला आसी प्रेम भाविष्ट है से पूरा कई हाथ गोड़ पेट भितर पशी जाए ये भाया गोटे प्रेम स्थिति हुए ये भाया स्थिति जो नारद बाबा सहित आसिक पहुँची गले कहे ओहो प्रभु धन्य प्रभु आज आपंकर अपूर्व लीला देखिए माने भगवान जो प्रेमावस्था था प्रेमावस्था लीला देखिले जीवन वास्तविक धन्य हुए आम तो सदा दर्शन कर देखा ये आम सबुदिन भेटाभेट हो कि जिते नाम संकीर्तन होने उत्सव से बड़ा परस्पर बड़ा आनंद आस कि यहाँ स्वाभाविक से भाला भगवान को तो नारद सदा आसिक दर्शन करते दैनिक आसते देखा द्वारिका कितु आज भगवान के प्रेम अपूर्व लीला देखिकी एत प्रेम मग्न हो गले नारद विचार कले देख जन भक्तों विचार भक्त ही विचार कर लोक मान उधार कमी हम तेणु सीए विचार कले नारदी ये प्रेम अपूर्व स्थित जब समस्ते देखिए ये प्रेम स्थित देखिक भाव संचार उधार हो ये चर्चा करते पर्यत आम भगवान प्रति सम्मत न जोड़ीचे संसार प्रति सम्मत जोड़ीचे कल्याण हमारे चान्स ना उधार हमारे कौन से चान्स है ना कहीं तुम तो संसार जुआड़े समत सियाड़े तुम मन जीव ना तेना भगवान सहित संपर्क केमी हम जो प्रेम संचार हम आ प्रेम संचार हम ये प्रेमावतार को देखे
ସେଥିପାଇଁ ନାରଦଜୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ରୂପ ଏଇ ରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ଭଗବାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ନିଜ ସ୍ୱୟଂରେ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ନାରଦ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି ଏଇ ରୂପ କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଦେଖ ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଲଗାଇଥିଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ନାରଦଙ୍କୁ ନାରଦ ଆସିକି କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଦାରୁ ରୂପରେ ଆସିକି ଏଇ ରୂପ ହିଁ ହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ପ୍ରେମ ରୂପ। ସେଇଠି ଥିଲେ କ'ଣ ବଳଭଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଯଶୋଦା ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସେଇ ରୂପ ହିଁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ଦେଖ ଆମେ ବି ସଜୁଛି ରୂପ କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ମନମୋହ କରିବୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅଧା ଗଢ଼ା ଶରୀର ତା ଶରୀର ଅଧା ଗଢ଼ା ଅଧା ଗଢ଼ା ନୁହଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଅଧା ରୂପକୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ଆଉ ତାକୁ ଯେମିତି ସଜେଇ ଦେବ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଏ। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସବୁଦିନ କପଡ଼ା ବଦଳୁଛି ଭାବୁଛି ଆଜି ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କାଲି ଆଉ ବଦଳା କପଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରିବାନି କିନ୍ତୁ ଯେତେ କପଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି ସେଇ କପଡ଼ାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ଆଉ ସେ କପଡ଼ା ବି ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ଦେଖାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଲା ପରେ ଭଗବାନ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମହିମା ଏଭଳିଆ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମହିମାକୁ ସଦାବେଳେ ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯାଅ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର କାମ ସବୁ କର କିନ୍ତୁ ଏଇ ରୂପକୁ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ସଦାବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆମର ଜୀବନର ଧ୍ୟେୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପୂର୍ତ୍ତି।